नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज सुबह सूरज नहीं निकला, जब सुबह आंखें खुली होंगी उठ करके देखा होगा तो सोचा होगा कि सूरज की धूप निकली होगी, सूरज की किरणों में आज फिर से बैठेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज सूरज नहीं निकला। तो आपको बता दूँ, आज आपको मौसम की अपडेट देंगे हम, और बता दूँ कि मौसम की अपडेट के अंदर क्या है। तो आज सुबह उठे होंगे, देखा होगा कि धुंध है और धुंध के साथ साथ धुआं भी है। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा, तो आज की तारीख से लेकर के यानी कि 4 जनवरी के रात से ही मौसम परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि 5 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक हरियाणा के अंदर येलो और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब कल से बरसात भी हो सकती है। जी हाँ, आज सुबह थोड़ी थोड़ी हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हुई, लेकिन इसने जो है मौसम को कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि अगर बात की जाए मौसम की, तो कहीं कहीं जो है धुआं ज़्यादा दिखाई दे रहा है और धुंध जो है कम दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मौसम के अंदर क्या कुछ अब बदलाव कल से होने वाले। तो तस्वीरें जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो आपको दिखा दूँ कि बदलाव के साथ साथ बारिश के साथ ओले गिरने के भी आसार बता दिए गए हैं। और हरियाणा में मौसम का मिजाज जो है मंगलवार से बदल चुका है और 4 से 9 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो है 6 जनवरी को दस्तक देगा और इस दौरान प्रदेश में बरसात होने की संभावना है। 5 जनवरी को बरसात के साथ कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। और IMD से बात हुई थी, उनके अनुसार 6 जनवरी को दस्तक देने वाला है पश्चिमी विक्षोभ और इसके असर से ही बरसात होगी। 7 और 8 को बरसात के साथ ओले पड़ने की संभावना है। तो वहीं उत्तरी हरियाणा में 5 को ऑरेंज अलर्ट, जबकि और जगह जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में 4 से 7 जनवरी तक बर्फबारी होगी, 4 से 5 जनवरी को भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। और बता देती हूँ आपको कि अटल टनल, जो सबसे बड़ा टनल है, वहाँ पर 1 जनवरी सुबह 8 से 2 जनवरी सुबह 8 बजे तक 7,515 वाहन गुजर चुके हैं, क्योंकि बर्फबारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि अब बात की जाए प्रदूषण की, तो आपको ये भी बता दूं कि प्रदूषण जो है बेहद ज़्यादा बढ़ चुका था और इसी प्रदूषण के कारण अगर अब बारिश आती है तो ये हमारे विंटर्स की यानी कि सर्दियों की पहली बरसात होगी, जिसकी वजह से मौसम के अंदर जो धूल भरे कण है वो भी नीचे आ जाएंगे और ये धुआं जो है, जो धुंध दिखाई देता है, ये छट जाएगा, जिसे स्मोक कहा जाता है। अब अगर हिसार के तापमान की बात कर ले तो हिसार का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री तक कम है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ अब मौसम के अंदर रहने वाला है, क्योंकि मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम के अंदर आपको बता देते कि आज सुबह से ही धुंध छानी शुरू हो गई थी। मौसम सिस्टमों के सक्रिय होने से कल से मौसम बदलेगा और 5 से 9 जनवरी के बीच के अंदर बादलवाई और बीच बीच में गरज चमक और हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जता दी गई है। यानी कि अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार की दिसंबर यानी कि 2021 का दिसंबर और 2022 की जनवरी के अंदर इतनी ठंड नहीं पड़ी जितनी हर साल पड़ा करती थी। लेकिन अब अपने सर्दी के कपड़े निकाल लीजिए, अपनी जैकेट्स निकाल लीजिए, अपने शॉर्ट्स निकाल लीजिए और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब हिसार के अंदर ठंड पड़ने वाली है। 5 से लेकर के 9 जनवरी तक ठंड इतनी ज़्यादा होने वाली है जिसके अंदर शायद बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि धुंध छाने वाली है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से मौसम अपडेट देती रहूँगी। और बताइए इस साल का मौसम, क्या आपने पहले जो साल बीते हैं उसके अंदर कभी ऐसा मौसम देखा था जहाँ पर सर्दियाँ तो आई लेकिन सर्दियाँ जो है ठंड लेकर के नहीं आई। और अब बात कर ली जाए तो माना ये जाता है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद ठंड जो है बेहद कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार की ठंड जो है मकर संक्रांति से शुरू हो रही है, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन पहले शुरू हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, सिर्फ इन 4-5 दिनों के अंदर ज़्यादा ठंड पड़ेगी, क्योंकि ठंड को भी दिखाना है कि वो आ गई है। कोरोना आता है, ठंड आती है, दोनों हाथ से हाथ मिला करके आते हैं। जैसे ही ठंड आने लगती है वैसे ही कोरोना आ जाता है। तो आप लोग भी सक्रिय रहिए, मास्क लगाइए, और मास्क सिर्फ कोरोना के लिए ही
नहीं बल्कि इस धूल भरे धुएं के लिए भी लगाइए, और जो ये धुंध है ठंड से बचने के लिए उसके लिए भी लगाइए। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से मौसम अपडेट देती रहूंगी, तब तक आपके शहर का क्या हाल है, क्या आज आपके शहर के अंदर भी सुबह धुंध थी, बारिश हुई थी, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और अपने शहर की तस्वीर एक जो है खींच करके ज़रूर भेजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें भी देखना है कि आपके शहर का क्या हाल है, क्योंकि हमेशा हम ही आपको बताते हैं कि हमारे शहर का क्या हाल है, कभी आप भी हमें बताइए कि आपके शहर का क्या हाल है। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।